स्वागत करते स्वागत करें धन्यवाद अधिकारी सुपरस्टार सिने अभिनेत्री तनिषा पटेल उपस्थित एक साहब पुष्पगुच्छ देव स्वागत करते सर्वान शांतता दाखवायची आहे सन्माननीय खासदार पायकर साहेब त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला शुभेच्छा पत्र देऊन शब्द या ठिकाणी द्यावी माझे तरुण आणि तरबदार उमेदवार आदरणीय संजय अनुपम जी आणि हमारे सांसद इस क्षेत्र के आदरणीय भाईकर जी अमीषा पटेल जी और ज्ञानमूर्ति शर्मा जी संगीता शर्मा जी मंडल अध्यक्ष हमारे राजन सिंह जी अवार जी गणेश सिंधे जी सभी यूटी के सभी पदाधिकारी आपको एक बढ़िया उम्मीदवार मिला है या ठिकाणी हमारे फैमिली फ्रेंड और अच्छे मित्र संजय निरुपम जी के लिए क्योंकि मैंने सालों साल से देखा है कहते हैं इंग्लिश में ही इज अ मैन ऑफ ऑनर ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड जो वो कहते हैं अपने दोस्तों के लिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपने लोगों के लिए वो करके किसी हालत में भी दिखाते हैं इसी वजह से मैं इनके साथ हूँ और अभी 20 तारीख को अनगिनत नंबरों में निकले अपने घरों से और संजय जी को जितवाए क्योंकि अगर इनकी जीत होगी तो आप सभी लोगों की जीत होगी धन्यवाद अरे यार बोलायलाच भेटला नाही वायरस लावला नाही विधानसभा मतदार संघ के लिए चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर महायुति के उम्मीदवार के तौर पर शिवसेना पक्ष के उम्मीदवार के तौर पर धनुष बाण के उम्मीदवार के तौर पर मैंने आज से काम शुरू किया अधिकृत तौर पर और आज इस मौके पर हमारे मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ मैं पिछले कई वर्षों से पिंडोसी आता रहा हूं लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं एक उम्मीदवार के तौर पर डिंडोसी में घूम रहा हूं और मुझे डिंडोसी में जो डेवलपमेंट के नाम पे जो काम है वो एक बहुत बड़ा शून्य दिखता है जो डेवलपमेंट है वो शून्य है और जो पानी की सप्लाई है वो नील है और दोनों मिलाकर हो जाता है सूर्य तो आप समझ लीजिए कि यहाँ के जो आमदार हैं पिछले 10 वर्षों से आमदार हैं लेकिन डिंडोसी का एक एक व्यक्ति एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है डिंडोसी में रास्ते नहीं दिखते रस्तों के नाम पे खड्डे रस्ते इतने खराब हैं ऊबड़ खाबड़ हैं कि हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है उसके बाद पूरे डिंडोसी का जो विकास होना चाहिए नियोजित विकास वह भी शून्य है एकदम सू और नील शून्य भी और नील भी है और उसको मिला के आमदार का नाम बन जाता है तो ऐसे जहां विकास नहीं जहां डेवलपमेंट नहीं लोग बेसिक एमिनिटीज के लिए तड़प रहे हैं
उस इलाके में एक ही एजेंडा हो सकता है कि मैं अगर चुन के आया तो पूरे डिंडोसी के लोगों के घर घर में पानी पहुंचेगा और वो पानी में पूरा प्रेशर होगा नल में। और आज जो पानी डाइवर्ट किया जा रहा है बिल्डर लॉबी के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, गरीब लोगों को जो पानी मिलना चाहिए बिल्डिंग में झोपड़पट्टी में उनको पानी नहीं दिया जा रहा है और उनके हक का पानी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो डाइवर्ट किया जा रहा है वो डाइवर्सन रोका जाएगा। सभी नागरिक को, सभी रहवासी को उनके हक का पानी मिलेगा। इंडोसी के सारे रास्ते विकसित होंगे क्योंकि मैं देख रहा हूं पूरे मुंबई में कंक्रीट रोड बन रहे हैं 6,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च करके, लेकिन वो कंक्रीट रोड डिंडोसी नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा सा दिखता है आपको नागरी निवारा की तरफ, लेकिन इस तरफ अगर आप